हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 8th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 2nd माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फाई एंड टुडे अवर टॉपिक इज फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स। आज के इस टॉपिक में हम फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स को स्टडी करने वाले हैं, बिकॉज वी नो दैट मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रजेंट अराउंड अस एंड दे स्पॉइल्ड अवर फूड इन मैनी वेज। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम हमारे जितने भी फूड आइटम्स हैं उनको किस प्रकार से प्रिजर्व कर सकते हैं, उनके लिए डिफरेंट टाइप के मेथड्स को आज हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। देन स्टूडेंट्स लिसन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं, ख़राब करते हैं। स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल, और जब ये फूड आपका स्पॉइल्ड हो जाता है तो इसके अंदर से बुरी गंध आती है, बैड स्मेल आती है एंड हैज ए बैड टेस्ट, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है एंड चेंज्ड कलर, और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। आपका कोई भी फूड आइटम है अगर उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने स्पॉइल्ड कर दिया है तो उसकी स्मेल टेस्ट एंड कलर सब कुछ चेंज हो जाता है। सम कॉमन मेथड्स टू प्रिवेंट फूड इन अवर होम्स आर फॉलोस। तो कुछ कॉमन मेथड हैं जिनको हम हमारे घरों में प्रिवेंट करने के लिए फूड आइटम्स को इन मेथड्स का यूज करते हैं। बिकॉज इफ यू यूज दीज स्पॉइल्ड फूड दे बिकम वेरी हार्मफुल टू योर हेल्थ। अगर इस तरह के आइटम्स को हम टेक करते हैं यानी कि ईट करते हैं या खाते हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। और आपको ये भी एक्सप्लेन किया गया था कि स्पॉइल्ड फूड को अगर आप यूज कर लेते हो तो ये कॉज ऑफ डेथ भी हो सकता है, यानी कि ये आपके डेथ का कॉजिंग भी, कारण भी हो सकता है। इट मीन्स आपको फूड का प्रिजर्वेशन करना बहुत ही नेसेसरी होता है। देन नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिफरेंट मेथड्स टू यूज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड अवर फर्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स के अंदर आप क्या यूज कर सकते हो, देखो साल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर जनरल केमिकल्स यूज्ड एज प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेटिव्स। साल्ट, कॉमन साल्ट जो होता है आपके घर के अंदर मिलता है, कॉमन साल्ट और एडिबल ऑयल्स जिनके अंदर आप वेजिटेबल्स वगैरह जो भी बनाते हो वो एडिबल ऑयल्स, ये जनरल केमिकल्स हैं। क्योंकि साल्ट भी एक केमिकल है, बिकॉज साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, इसको क्या बोल सकते हैं, सोडियम क्लोराइड। और ऑयल्स जो होते हैं ये हायर फैटी एसिड्स होते हैं, हायर फैटी एसिड्स होते हैं, तो ये भी एक केमिकल है। ऑयल्स भी केमिकल है और साल्ट भी केमिकल है, और दोनों केमिकल्स का यूज़ आप प्रिजर्वेटिव्स की फॉर्म में अपने होम्स के अंदर करते हो। और भी दो एग्जांपल मैंने यहाँ पर नोट किए हैं जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए, केमिकल मेथड्स में इनका यूज किया जाता है, और ये हैं सोडियम बेंजोइट और दूसरा केमिकल सब्सटेंस है सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। दो केमिकल सब्सटेंस यहाँ पर और नोट किए गए हैं जिनका यूज किया जाता है केमिकल मेथड में। फर्स्ट तो क्या है, सोडियम बेंजोइट एंड सेकेंड इज सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। क्लियर। सेकेंड मेथड जो यहाँ पर यूज किया जाता है किसके लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, फूड प्रिजर्वेशन के लिए, वो है कॉमन साल्ट। देखो कॉमन साल्ट का यूज हम कई वेज, मेनी वेज में करते हैं फूड प्रिजर्वेशन में। तो देखो इट इज यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेज। मांस, मीट और फिश को अगर लंबे समय तक प्रिजर्व करना है, उनको फ्रेश बनाए रखना है,
तो हम कॉमन साल्ट का यूज़ करते हैं। जो फिश या मीट के जो आइटम्स होते हैं उनको जब पैक किया जाता है तो पैक करते समय उनको ड्राई साल्ट जो कॉमन साल्ट होता है उसके अंदर उसको रख, जैसे डिब्बे के अंदर फिश को रख दिया, फिर उसके अंदर कॉमन साल्ट को फिल कर दिया और उसको एयर सील्ड टाइट पैक कर दिया। अब आपका ये जो फिश है ये फिश लॉन्ग टर्म तक स्पॉइल्ड नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो मीट और फिश को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कॉमन साल्ट का यूज़ करते हैं। साल्टिंग एसओ एल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोस, टैमरिंड एट्सेट्रा। इसका यूज़ आंवला, रॉ मैंगोस यानी कि मैंगोस वगैरह जो होते हैं और टैमरिंड, इन सब के प्रिजर्वेशन में भी कॉमन साल्ट का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड मेथड है बाय शुगर। शुगर के द्वारा हम प्रिजर्वेशन फूड आइटम्स का कैसे कर सकते हैं? तो देखो, कुछ फूड आइटम्स हैं जिनके अंदर शुगर को ऐड कर देते हैं तो वो प्रिजर्व हो जाते हैं। कौन कौन से? जैम्स, जेली, स्क्वैश। जैम्स, जेली और स्क्वैश जो फूड आइटम है आर प्रिजर्व बाय शुगर। इनको किसके द्वारा प्रिजर्व कर सकते हैं? शुगर के द्वारा। तो देखो, एनसीईआरटी एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि राइट एनी टू फूड आइटम्स विच प्रिजर्व बाय शुगर। तो आपको जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैश इसमें से कोई भी दो फूड आइटम नोट कर देने हैं। क्लियर? इट रिड्यूसेस द मॉइस्चर। शुगर जो होता है वो किस तरह से प्रिजर्व करता है? शुगर मॉइस्चर को रिड्यूस करता है, नमी को सोख लेता है। कंटेंट विच इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल्ड फूड। ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो अवरुद्ध हो जाती है, वो नहीं हो पाती है ग्रोथ और फूड आपका स्पॉइल्ड होने से बच जाता है। नेक्स्ट मेथड जो आप यूज करने वाले हो वो है बाय ऑयल एंड बाइनेचर। बाइनेचर के थ्रू भी हम फूड आइटम्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। बाइनेचर में क्या होता है? बाइनेचर जो होता है उसके अंदर होता है एक वीक एसिड जिसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड, सिरका जिसको बोला जाता है। यूज ऑफ ऑयल्स एंड बाइनेचर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स, यानी कि अचार के सुरक्षा करने में, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। जब आप ऑयल्स, आप पिकल्स को देखते होंगे ना, पिकल्स मीन्स अचार होता है। अचार को हम देखते हैं कि अचार को अगर आप ऑयल्स के अंदर डुबो के रख देते हो तो उसके अंदर क्या बैक्टीरिया ग्रोथ कर पाएंगे? ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रोथ नहीं कर पाते। और अगर आपका एक भी पिकल्स पीस उस ऑयल से ऊपर निकल जाता है तो उसके ऊपर फंगस आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? फंगस, उसके ऊपर फंगस आ जाता है और वो स्पॉइल्ड हो जाता है। तो हम पिकल्स को किसके अंदर डिप करके रखते हैं? या तो ऑयल्स के अंदर, या फिर उसके अंदर कुछ अमाउंट में क्या डाला जाता है? बाइनेचर डाला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं, देखो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट, इन सब को प्रिवेंट करने के लिए हम बाइनेचर और ऑयल्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अदर मेथड होता है हमारे पास हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर। आपके फूड आइटम्स हैं, या तो उनको बहुत ज़्यादा हीट कर दो, जब आप उसको हीट करेंगे तो वो बॉयल होगा और बॉयलिंग टेम्परेचर पर कोई भी माइक्रोब्स अलाइव नहीं रहता है, सारे माइक्रोब्स डेड हो जाते हैं। और बिलो लो टेम्परेचर पर भी जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो फूड आइटम्स को लो टेम्परेचर के लिए आप अपने रेफ्रिजरेटर में रखते हो। यू पुट ओवर फूड आइटम्स लाइक वेजिटेबल्स एंड राइस एंड फ्रूट्स, कीप इन योर रेफ्रिजरेटर। अपने रेफ्रिजरेटर में उनको रखते हो ना, तो किसके लिए? ताकि वो फूड आइटम्स को माइक्रोब्स स्पॉइल्ड नहीं कर पाए, इसलिए तो रखते हैं। तो लोअर टेम्परेचर होता है फ्रिज के अंदर, तो लोअर टेम्परेचर पर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है। और इसी तरह से अगर हमको मिल्क को प्रिजर्व करना है अपने घर में, तो मॉर्निंग में जो मिल्क हमारे पास आया है उसको हम बॉयल करके रख देते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व रहता है ना। और अगर आप उसको इवन इन ए डे टू टाइम्स बॉयल, अगर आपको एक दिन में दो या तीन बार उसको बॉयल कर देते हैं तो वो शाम तक आपका जो मिल्क है वो प्रिजर्व रहता है, वो खराब स्पॉइल्ड नहीं होता है ना।
ठीक है ना। तो इसी तरह से मिल्क जैसे लिक्विड मटेरियल्स को प्रिजर्व करने के लिए एक मेथड यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं पाश्चराइजेशन मेथड। और ये पाश्चराइजेशन जो मेथड होता है ये लुईस पाश्चर नामक नेम का जो साइंटिस्ट था उसने सजेस्ट किया था। और इस मेथड के अंदर क्या करते हैं कि मिल्क जैसे प्रोडक्ट को 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 15 टू 30 मिनट्स तक हीट किया जाता है, सडनली उसको चिल्ड किया जाता है, चिल्ड करने के बाद उसका स्टोरेज कर दिया जाता है। तो जो पैकेट के अंदर दूध आया है उसको बोलेंगे पाश्चराइज्ड मिल्क। उसको क्या बोलेंगे? पाश्चराइज्ड मिल्क। और ये जो पाश्चराइज्ड मिल्क होता है आपका जो कॉमन मिल्क है उससे अप्रॉक्सीमेटली 2 or 3 days लॉन्ग टर्म तक प्रिवेंट रह सकता है। ओके, तो नेक्स्ट टर्म आप देख सकते हैं क्या, स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोरेज फूड आइटम्स को आप अगर किसी ऐसे स्थान पर स्टोरेज करें जहां पर माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो रही हो, या उनकी पैकिंग इस प्रकार से करें कि माइक्रोब्स उस पैकिंग के अंदर फूड आइटम्स के पास कांटेक्ट में ना आ सके, तो भी फूड आइटम्स को आप क्या कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, नाउ दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स। इन दिनों जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स जो होती हैं वो अब सील्ड एयर टाइट पैकेट के अंदर सेल की जाती हैं। अगर एयर टाइट पैकेट के अंदर हम वेजिटेबल या ड्राई फ्रूट्स को पैक करते हैं तो उस एयर टाइट पैकेट में माइक्रोब्स का इंक्रीजमेंट या उनकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है, और आपकी वेजिटेबल्स और ये जो आइटम्स और अदर आइटम्स होते हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व रह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये अटैक्स को, माइक्रोब्स का जो अटैक्स होता है इनके ऊपर, उसको प्रिवेंट करते हैं। तो दीज आर द सम सेवरल मेथड्स टू यूज फॉर प्रिवेंटिंग अवर फूड। अगर हमने हमारे फूड को प्रिवेंट नहीं किया तो वो स्पॉइल्ड हो जाएगा, और स्पॉइल्ड फूड का अगर किसी ने यूज कर लिया तो उस वो जो पर्सन है वो इलनेस यानी कि वो बीमार हो सकता है, या फिर कॉज ऑफ डेथ, ये स्पॉइल्ड फूड उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज आपने यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स को स्टडी किया है फूड प्रिजर्वेशन के लिए। क्लियर? ओके।